हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही टेस्टी सा पुलाव की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो चीज़ों को वेस्ट नहीं करेंगे, बचे हुए चावल से इस पुलाव को हम लोग बनाएंगे और जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं उसको ही भी यूज़ कर लेंगे ताकि अलग से कोई सब्ज़ी भी ना बनाना पड़े। तो चलिए इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ सर्व करने के लिए सबसे पहले एक प्याज का सलाद बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इधर 1/4 कप प्याज लिया है, स्लाइस में कट कर लिया है, तो इसे ले लेंगे एक बोल में। और इधर मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी भी लिया है, 1/4 कप, कच्चे है बिल्कुल, तो इसे भी डाल देंगे। अगर अवेलेबल ना हो आप सिर्फ प्याज से भी इसको बना सकते हैं। अभी इसमें ज़रूरत अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालूंगी 1/4 टीस्पून के करीब। अगर चाट मसाला ना हो, आमचूर पाउडर होता तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो प्याज और पत्ता गोभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और रेस्टोरेंट से हम लोग जब बिरयानी वगैरह मंगाते हैं तो इस तरीके की सलाद इसके साथ देते हैं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, पुलाव, बिरयानी या रोटी के साथ भी। तो आप इस सलाद को ज़रूर ट्राई करें। पुलाव के इन्ग्रीडियंट्स को देख लेते हैं। इधर मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है इस तरीके से, और एक मीडियम कैप्सिकम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके रखा था, उसको छील के ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। और काले चने मैंने रात भर भिगो के रखा था, उसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इस तरीके से अच्छे से बॉईल कर लिया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है। इधर पत्ता गोभी को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये 1/2 कप के करीब है, ये भी कच्चे हैं बिल्कुल। तो आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं, कैरेट, फूल गोभी, वो भी डाल सकते हैं। इधर मैंने 1/4 कप बीन्स लिया है, इसको भी मैंने हल्का सा बॉईल करके रखा है। 2 हरी मिर्ची को चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 कप लिया है बारीक चॉप किया हुआ प्याज। आप आपके पसंद के अनुसार या अवेलेबल जो भी सब्जियां हो वो डाल सकते हैं। और इधर राइस है, आप पहले दिन का जो बचा हुआ चावल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चावल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, मैंने उसी दिन चावल को 2 घंटे पहले बना के रख दिया है, चावल पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब ये कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल जब गरम हो जाए तो इसमें 1.5 टीस्पून के करीब जीरा डाल देंगे और जीरे को थोड़ा सा भूनने देंगे। जब कलर चेंज हो जाए तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इधर चॉप किया हुआ हरी मिर्ची अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और चॉप किया हुआ प्याज भी डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, तो अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसे डाल के भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अभी इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे, टमाटर के साथ साथ कैप्सिकम भी डाल देंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने यही सब्ज़ी यूज़ किया है, मेरे पास यही अवेलेबल था। तो बीन्स भी मैंने डाल दिया है, अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक ना टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
और डाल दिया है मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अभी टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। पत्ता गोभी को मैंने अभी नहीं डाला है, उसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस रखने के लिए मैंने बाद में ऐड किया है। अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट पसंद करते हैं तो इसी टाइम पे पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। तो देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अभी इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। और इधर है पाव भाजी मसाला, इसे मैं ऐड करूँगी। ये अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी मसाला रेडीमेड मसाला डाल सकते हैं, जैसे किचन किंग मसाला या फिर कोई भी चिकन या मटन मसाला जो आता है पैकेट में वो डाल सकते हैं। ये मैंने 1.5 टी स्पून यूज़ किया है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग बड़ा कमा सकते हैं। तो ये पाव भाजी मसाले से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, चटपटा सा लगता है ये पुलाव, तो मैंने इसे ऐड किया है। और इसे डाल के सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर बहुत ड्राई लग रहा है तो आप 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला जल ना जाए। तो अभी इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देंगे और आलू भी ऐड कर देंगे और काले चने भी ऐड कर देंगे। अगर काले चने की जगह पे आप मटर भी डाल सकते हैं, अभी मटर अवेलेबल नहीं रहता है, आसानी से नहीं मिलता है, तो आप काले चने या फिर काबुली चने को भी इस तरीके से बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। और इस पुलाव के साथ और कुछ सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें ही सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, काले चने हैं, तो इसको ही आप रायता के साथ खा सकते हैं। अभी सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि सब्जियाँ हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। पर पत्ता गोभी का जो क्रंचीनेस है उसको रखना है तो अच्छा लगता है। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है, बिल्कुल रेडी है मसाला। तो अभी इसमें चावल ऐड करेंगे। एक साथ पूरा चावल नहीं डालेंगे, पहले मैंने आधा चावल डाल दिया है और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। पहले भी नमक ऐड किया है तो ध्यान से डालेंगे। अभी सारे चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल टूट फूट ना जाए। जब ये मिक्स हो जाए तो बाकी के चावल भी ऐड कर देंगे। मैंने बासमती चावल यूज़ किया है, आप रेगुलर कोई भी चावल से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो बाकी के चावल भी ऐड कर देते हैं। अभी लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है तो चावल को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, अगर चावल बच जाता है तो इस तरीके से बना के नेक्स्ट डे भी खा सकते हैं। तो देखिए पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो इसको मैंने सर्व किया है रायता के साथ, क्यूकम्बर और टमाटर और प्याज से मैंने ये रायता बनाया है, और जो सलाद मैंने दिखाया है उससे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।